बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूँ। हमने जो HRM की सीरीज़ स्टार्ट की, उसमें आज लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी इशूज़। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ मिलती रहें। हेल्थ एंड सेफ्टी इशूज़ जो है, उसकी एक आउटलाइन है, जिसको हम सामने रखते हुए पूरे लेक्चर जो है इसको इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ को स्टडी करेंगे, जिसमें हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट, देन हम ओशा जो है रिसोर्स फॉर एम्प्लॉइज़, इसको स्टडी करेंगे, कंटेम्प्रेरी हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेसेस, बर्नआउट, एम्प्लॉई असिस्टेंस प्रोग्राम्स, EAPs, इंटरनेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, हेल्दी लिविंग, अंडरस्टैंड पर्सन जॉब फिट, गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स, डेवलप अ गुड जॉब फिलोसफी। ये हमारी आउटलाइन है और हम ये 12 पॉइंट्स को स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम ओशा स्टडी करते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट जो है, इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ओशा इंस्पेक्शन प्रायोरिटीज। ओशा जो है बेसिकली ये एक एक्ट भी है और एक अमेरिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो डिफरेंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करती है। तो इसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं मेन, उसमें फोर्थ कमिंग डेंजर, यानी कि अगर अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, इज़ अबाउट टू अकर, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, उस पर काम करता है ओशा। फिटेलिटीज़ एंड कैटेस्ट्रॉफीज़, इंटरवीनिंग इन केस ऑफ डेथ एंड हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ 3 or more एम्प्लॉज़ फ्राम वन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉई कम्प्लेंस इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ ओशा स्टैंडर्ड्स, एम्प्लॉई हैव राइट टू कॉल ओशा फॉर इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद हम देखते हैं रेफरल्स केसेस फ्रॉम गवर्नमेंट, स्टेट और लीगल एजेंसीज और मीडिया, फॉलोअप्स, यानी जहाँ पे ओशा जो है वो विजिट कर लेता है, फिर उसको फॉलोअप करता है कि वो जो एक्शंस लिए गए थे वो उनको उनके ऊपर उसी तरह से बाद में एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया गया, यानी फॉलोअप विजिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द एक्शन वॉज टेकन बिफोर। प्लान्ड आर प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन, रूटीन विजिट्स आर सर्विसेज टू द रेगुलर क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ओशा के साथ रजिस्टर होती हैं, यानी उनकी क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो ख़ुद से अपनी जो हेल्थ ओशा जो एक्ट के स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए वहाँ पे ओशा से ख़ुद विज़िट करवाते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं और ओशा उन्हें रेगुलरली विज़िट करता रहता है। ओशा रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर द ओशा एक्ट, एम्प्लॉइज इन इंडस्ट्रीज वेयर अ हाई परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरीज अकर मस्ट मेंटेन सेफ्टी एंड हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो इसमें यह है, क्योंकि कुछ हाई रिस्क जॉब्स हैं और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, फिटेलिटीज़ होती हैं, इंजरीज होती हैं, तो उनको कहते हैं कि वो मस्ट आप रिकॉर्ड मेंटेन करें, ताकि देखा जा सके कि जो ओशा स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने से पहले या फॉलो करने के बाद क्या उसमें इम्प्रूवमेंट्स आई। ओशा प्यूनिटिव एक्शंस, द ओशा इंस्पेक्टर हैज़ द राइट टू इम्पोज अ फाइन अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर नॉन कम्प्लाइंस। क्योंकि ओशा, मैंने आपको बताया, एक एक्ट भी है, तो जो ओशा इंस्पेक्टर है वो उनके पास ये पावर्स होती हैं कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन पे फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डिटर्मिनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ केस अंडर ओशा। अ केस मस्ट इन्वॉल्व, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ओशा का केस क्या होता है। अ केस मस्ट इन्वॉल्व अ डेथ, इलनेस और इंजरी टू एन एम्प्लॉई। जो रूटीन लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ये कंसिडर नहीं करता। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फैटलिटी यानी डेथ्स हो जाए, इलनेस हो जाए और इंजरी हो जाए, इन तीनों केसेस में जो ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं उसको ओशा जो है वो उसको उसको डील करता है। अब हम देखते हैं कि रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्सीडेंट और डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सीडेंट। अब हम ये दो केसेस में हो सकता है, यानी कि जो है ये जो हमने स्टडी किया कि यानी कि एक डेथ, इलनेस और इंजरी जो है वो एक्सीडेंट से हो रही है या एक्सीडेंट से नहीं हो रही। तो अगर हो रही है, यानी रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सीडेंट एंड इज अ डेथ एंड एन इलनेस और इंजरी, और जो इंजरी है, डेथ तो ऑब्वियस है और जो इलनेस है वो भी जो हमारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो इंजरी है वो इंजरी को स्पेसिफाई करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट नॉट फर्स्ट एड,
कि एक ऐसी इंजरी इतनी सिग्निफिकेंट इंजरी हो कि वो कोई फर्स्ट एड से सही ना हो, बल्कि आपको उसकी प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़े। उसके बाद आप देखते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी, और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन आर वर्क आर मोशन, यानी कि रिस्ट्रिक्शन जो है वो आप अपना काम नहीं कर सकते, काम से रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, या आपकी मोबिलिटी नहीं रही, आप मूव नहीं कर सके, या उसके बाद आपको इस तरह की कोई डिसेबिलिटी हो गई, या जैसे आप जैसे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है कि आप बेहोश हो गए, और उसके बाद ट्रांसफ़र टू अनदर जॉब। और अगर फॉर एग्जांपल जैसे फोर्सेस में आजकल होता है कि अगर एक आर्म फोर्सेस में फील्ड में आप जॉब कर रहे थे और वहाँ पे अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया यानी कि आपकी कोई स्वेयर इंजरी हो गई, तो वो आपको वहाँ से फील्ड से हटा के क्लरिकल या ऑफिस जॉब्स दे देते हैं। तो अगर इस तरह के आपको उन्होंने फील्ड वर्क से आप इतने डिसेबल हो गए कि आपको उन्होंने आपका जो कैडर था वो ही चेंज कर दिया, और अगर ये सब प्रॉब्लम्स हों तो इसका मतलब एक अगर एक डेथ हो, लेकिन ये एक्सीडेंट से हो, रिजल्ट फ्रॉम एक्सीडेंट एंड इज अ डेथ। अब एक एम्प्लॉय है तो उसकी डेथ तो उसके घर पे भी हो सकती है, लेकिन अगर वो जो है उसकी डेथ यानी कि वो उसकी मेडिकल जो डेथ है उसमें कोई एक्सीडेंट इन्वॉल्व ना हो, तो हम देखते हैं कि एक डेथ और इलनेस और इंजरी, ये तीनों और इंजरी की ये टाइप्स ये सब हों तो केस मस्ट बी रिकॉर्डेड, और अगर हो नन ऑफ दीज यानी कि अगर इंजरी आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुझे इंजरी हुई है लेकिन वो फॉर एग्जांपल फर्स्ट एड से ही सही हो गई, इनमें से कोई इन चारों कंडीशंस में से किसी को एक को भी मीट नहीं करती, तो ये और या डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम वर्क एक्सीडेंट, तो इसको हम कहेंगे केस केस इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड, और दिस दिस इज रेलिवेंट टू ओशा नॉट रेलिवेंट टू ओशा। तो इसमें हमने देख लिया कि जो क्लासिकली केस होगा वो डेथ इलनेस और इंजरी की फोर जो टाइप्स हैं उनमें से कोई इंजरी हो, और ये तीनों चीज़ें यानी डेथ इलनेस और इंजरी की अपनी फोर कंडीशंस ये आपकी वर्क सेटिंग में हो। आसान लफ्ज़ों में अगर आपके कोई इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ है या वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है इंडस्ट्री में जहाँ पे आप जॉब करते हैं और उसकी वजह से ये आपके साथ हुआ है, तो फिर ये जो इसको ओशा के ये अंडर आता है और ये केस रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन अगर ये इसके अदर देन वर्क यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ में जैसे लोगों के एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं वो हो जाए, इंजरी हो जाए, डेथ हो जाए इवन, तो ये अगर एक तो या इन इंजरीज में से कोई इंजरी ना हो यानी वर्क प्लेस पर इंजरी हुई हो लेकिन वो इन चार कंडीशंस को मीट ना करती हो, इतनी स्वेयर ही ना हो मतलब कि यानी फर्स्ट एड से सही हो जाए, तो वो उसको इंजरी ये नहीं कहते, तो उसको भी रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और अदर देन वर्क क्योंकि ओशा पर्टिकुलरली ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड है, एक्ट है और ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो इसके इससे रेलेवेंस नहीं है कि अगर एक एम्प्लॉय को उसके घर पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम उसकी पर्सनल लाइफ में अगर उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है तो इसको ये एड्रेस नहीं करता, तो केस नॉट टू बी रिकॉर्डेड। ओशा आर रिसोर्स फॉर एम्प्लॉयर्स। अब हम देखते हैं कि जिस तरह ओशा एम्प्लॉयज़ के लिए इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस एक्ट के भी और इस ऑर्गेनाइजेशन के भी, इस तरह ओशा के एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉयज़ आपके हेल्दी हैं, अगर आप इंजरीज को डेथ्स को वर्क प्लेस फैटेलिटीज को टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं तो, और आप अगर उसके पहले से ही प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट करते हैं ओशा के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, तो उसका अल्टीमेट बेनिफिट तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को होगा। एरियाज ऑफ एम्फसिस जो है इंडस्ट्रीज विद अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलनेस एंड इंजरीज एज कम्पेयर विद अदर इंडस्ट्रीज रिसीव स्पेशल इंटेंशन फ्रॉम ओशा विद द गोल्स ऑफ रिड्यूसिंग इंजरीज। फॉर एग्जाम्पल टू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं या टू स्टील मिल्स हैं, एक में ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं एक में नहीं हो रहे, तो वो देखते हैं कि सेम कैटेगरी की अगर एक इंडस्ट्री में ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स तो फिर या इंजरीज हो रही हैं या एम्प्लॉयज़ को इलनेस हो रही है, तो फिर वो उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है इनका एक मेन पर्पस है, असिस्टिंग एम्प्लॉयज़ इन डिवेलपिंग अ सेफर वर्क प्लेस, कि आप एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं कि वो किस तरह से इन सारे जो हेल्थ हैज़र्ड्स हैं इनसे प्रिवेंशन कर सकते हैं।
कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेके वो पहले ही कि या वो एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकें, या वो हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं जैसे हैज़र्डस केमिकल होते हैं, स्मोक होती है, जैसे रेडिएशन वर्कर्स को आप जो रेडिएशन हैं उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उन सारों से पहले सिर्फ सेफ्टी मेजर्स बताते हैं कि आप इस तरह से अगर मेजर्स लेंगे तो आपका रेडिएशन का आपके ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं होगा। अब हम देखते हैं जो एम्प्लॉयज़ को असिस्टेंस देते हैं, मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। क्या आप मैनेजमेंट को ओशा जो है वो मैनेजमेंट को बावर करवाता है कि आप जो है पहले कमिटमेंट शो करें कि आप वाकई इंटरेस्टेड भी हैं अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ और सेफ्टी में, अगर आपकी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, और फिर आप एम्प्लॉयज़ को इसमें इन्वॉल्व करें। और उसके बाद जो है वर्क साइट एनालिसिस करके देता है ओशा, वो आपको प्रॉपर बताता है कि यहाँ पे ये मेजर्स अगर आपने नहीं लिए, आपका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है आपकी इंडस्ट्री का या वर्क प्लेस का, वो जो है वो सेफ नहीं है। उसके बाद हैज़र्ड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ओशा है वो ना सिर्फ इंटरवेंशन करता है बल्कि प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेता है। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ सुपरवाइजर्स एंड मैनेजर्स, तो ये क्योंकि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इनका एक बहुत बड़ा जो है पर्पज़ है इस ऑर्गेनाइजेशन का को एस्टेब्लिश करने का, कि लोगों को एजुकेट किया जाए, एम्प्लॉयज़ को, उनके इमीडिएट सुपरवाइजर्स को और उसमें मैनेजर्स को, ताकि वो जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको टाइमली मैनेज कर सकें। कॉन्टेम्प्रेरी हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़, तो अब हम देखते हैं कि इस वक्त जो मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ वर्क है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस में कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, जिसमें एक वर्क प्लेस वायलेंस है, यानी वर्क प्लेस एंगर, डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंट एक्टिविटीज़, और उसके बाद इनडोर एयर क्वालिटी। अच्छा, तो दुनिया में इतना ज़्यादा वायलेंस है वर्क प्लेस पे कि एनुअली 1,000 जो वर्कर हैं वो वर्क प्लेस पे ही मर्डर कर दिए जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि खासकर इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा ये वायलेंस के इश्यूज़ होते हैं, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं लोगों में, और उसकी वजह से 1,000 हर साल जो है ना 1,000 एम्प्लॉयज़ अपनी वर्क प्लेस पे दुनिया में अक्रॉस द ग्लोब वो मर्डर कर दिए जाते हैं। तो ये इससे हमें पता चलता है कि वर्क प्लेस वायलेंस कितने हैं, कॉन्फ्लिक्ट कितने हैं। तो ये वर्क प्लेस वायलेंस अब एक बहुत बड़ा इशू है। और उसके बाद है इंडोर एयर क्वालिटी, सिक बिल्डिंग्स आर बिल्डिंग्स विद पुअर इंडोर एयर क्वालिटी इज़ कंसिडर्ड अनहेल्दी इन्वायरमेंट। तो जो अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है तो उसकी एयर क्वालिटी सही नहीं है, तो उससे ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा आते हैं कि वहाँ की जो एयर क्वालिटी, जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं वहाँ पे एयर क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं होती। द स्मोक फ्री इन्वायरमेंट, वर्क इन्वायरमेंट शुड बी स्मोक फ्री। स्मोकर्स हैव सिग्निफिकेंट हायर एबसेंटीज, इंजरीज, एक्सीडेंट्स एंड डिसिप्लिनरी रेट्स देन नॉन स्मोकर एम्प्लॉयज़। जो रिसर्चेज हमें बताती हैं जो कि स्मोकिंग है उसके बहुत ज़्यादा स्मोकिंग का रोल है हमारी जो हमारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं एम्प्लॉयज़ के, जैसे इंजरीज और एक्सीडेंट्स वगैरह, क्योंकि रिसर्च कंफर्म करती है। रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरीज, इंजरीज सस्टेन बाई कंटिन्यूस एंड रेपिटेटिव मूवमेंट ऑफ द हैंड। तो अब इसमें यह होता है कि बाज़ुकात जो इंजरी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो रिपीटेडली इस तरह के फिजिकल टास्क में इन्वॉल्व होते हैं कि वो इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है कि इसकी वजह से, मतलब एक काम को बार बार करने की वजह से और उसमें गैप ना लेने की वजह से वो जो है इंजरीज का शिकार हो जाते हैं। यानी मैं अदरवाइज उनको नहीं होती, लेकिन क्योंकि उनके वर्क की कंडीशंस ऐसी होती हैं, उनको उसके दरमियान में कोई ब्रेक नहीं दी जाती प्रॉपर, तो वो बार बार रिपीटेड फिजिकल टास्क की वजह से बाज़ बार इंजरीज हो जाती हैं। अब हम फोर्थ पे देखते हैं फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। द फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ आर इंटरकनेक्टेड एंड वन कैन नॉट बी इंश्योर्ड इन द एब्सेंस ऑफ द अदर। ट्रेडिशनली फिजिकल हेल्थ वॉज फोकस्ड बाई HR प्रोफेशनल्स, करंटली HR पॉलिसीज आर आल्सो कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड HR मैनेजर्स फोकस ऑन द क्रिएटिंग लो स्ट्रेस आर स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट फॉर वर्क। तो हम ये देखते हैं कि जो फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ, अब एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ और वेलबींग जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है एम्प्लॉय की मेंटल वेलबींग पे। तो पहले जो है फिजिकल हेल्थ को ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन अब वो देखते हैं क्योंकि अब जो वर्क प्लेस है वो बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस हैं वहाँ पे,
तो स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो वो सारे हमारी फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ रिलेटेड के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इस वजह से अब वो इस पर भी फोकस करते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेसेस, डिफाइनिंग स्ट्रेस एनीथिंग विच इज़ परसीव थ्रेटनिंग और चैलेंजिंग फॉर आर वेल बींग इज स्ट्रेस, एंड एनी थिंग विच काज स्ट्रेस इज स्ट्रेसर। जो स्ट्रेस है इसकी टू फेसेस हैं, एक पॉजिटिव फेस है एक नेगेटिव। अगर आपकी स्ट्रेस की वजह से आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, तो उसको यू स्ट्रेस कहते हैं, और अगर स्ट्रेस की वजह से के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आपकी परफॉर्मेंस लो हो रही है और आपको डिप्रेशन हो रहा है स्ट्रेस की वजह से, तो उसको डिस्ट्रेस कहते हैं। तो इसकी लाइट साइड एक है और एक इसकी डार्क साइड है। अब हम देखते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेसेस में जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, यानी हम देखते हैं कि जो हमारा एनर्जी और एक्टिविटी लेवल होता है वो नॉर्मल होता है, जब उसमें डिक्लाइन आता है यानी जब वो लो हो जाता है, तो हमें उससे अलार्म रिएक्शन होता है, वी परसीव वी आर इन अ कंडीशन ऑफ स्ट्रेस। फिर हमारे जो बॉडी के मैकेनिज्म्स हैं वो टाइम और टाइम के साथ साथ वो उसको रिजिस्ट करते हैं, तो हमारी नॉर्मल से हाई की तरफ परफॉर्मेंस जाती है, तो वो इसको इसको बैलेंस करते हैं। और उसके बाद अगर थर्ड जो है स्टेज वो एग्जॉस्टन है, यानी कि ये टू टाइम्स जो हमारी लाइफ में इम्बैलेंसेस हुए इसकी वजह से हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं। पार्शियल एग्जॉस्टन सभी को होती है स्ट्रेस से निकलने के बाद, स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस के बाद, लेकिन अगर इसको प्रॉपर यहाँ पे रिजिस्ट न कर पाए तो फिर उनको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टन हो जाती है। हाँ जी, अब हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। फिजिकल सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस के, शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं, परफॉर्मेंस स्ट्रेस सिम्टम्स होते हैं। अब इनको हम वन बाई वन देखते हैं। तो स्ट्रेस के कुछ शॉर्ट टर्म सिम्टम्स होते हैं, यानी फिजिकल सिम्टम्स भी हैं, कुछ शॉर्ट टर्म हैं और कुछ लॉन्ग टर्म हैं, और उसके बाद बिहेवियरल स्ट्रेस सिम्टम्स जो हैं वो भी कुछ शॉर्ट टर्म हैं और कुछ लॉन्ग टर्म हैं, और द सेम इज़ फॉर परफॉर्मेंस स्ट्रेस सिम्टम्स। अब फर्स्ट हम देखते हैं फिजिकल स्ट्रेस सिम्टम्स क्या होते हैं। ड्राई माउथ, कूल स्किन, कोल्ड हैंड एंड फीट, इंक्रीज स्वीटिंग स्वेटिंग, रैपिड ब्रीदिंग, फास्टर हार्ट रेट, उसके बाद टेंस मसल्स, फीलिंग्स ऑफ नॉजिया, अ डिज़ायर टू यूरिनेट। अब ये जो इसके हैं बेसिकली शॉर्ट टर्म सिम्टम्स हैं, और उसके जो लॉन्ग टर्म सिम्टम्स हैं वो इंसोमिया है, और उसके बाद जैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, पेन्स वगैरह की परसेप्शन है, और एपीटाइट में जो हमारी चेंज आती है, फीलिंग्स ऑफ इंटेंस एंड लॉन्ग टर्म टायर्डनेस, प्रोन टू इलनेस, फ्रीक्वेंट कोल्ड्स वगैरह, एकेज एंड पेन्स वगैरह। तो ये सारे जो मैं जैसे सर में दर्द लोग रिपोर्ट करते हैं, तो ये इसके लॉन्ग टर्म सिम्टम्स हैं। शॉर्ट टर्म सिम्टम्स जो हैं बिहेवियरल स्ट्रेस सिम्टम्स में यानिंग है, टॉकिंग टू फास्ट, टॉकिंग टू लाउड, नेल बाइटिंग, ग्राइंडिंग टीथ, ड्रमिंग फिंगर्स, पेसिंग। अच्छा, लॉन्ग टर्म सिम्टम्स में हम देखें कि ओवर ईटिंग है, इमोशनल लॉन्ग टर्म सिम्टम्स होते हैं, डिफेंसिवनेस हो गया, आप इमोशनल हो गए, डिफेंसिव हो गए, इरिटेबल हो गए, इरेशनल, हॉस्टाइल, क्रिटिकल, एग्रेसिव। आप परफॉर्मेंस स्ट्रेस सिम्टम्स जो हम देखते हैं, रिड्यूसिंग योर इफेक्टिवनेस, काजिंग यू टू बी वेरी नेगेटिव, यू मे निगलेक्ट योर पेरेंट्स, यू मे मेक पुअर जजमेंट्स। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर है कि जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आपसे सही जजमेंट और डिसीजन मेकिंग नहीं होती, काजिंग यू टू मेक मोर मिस्टेक्स, यानी आप जो है प्रोन टू मिस्टेक्स हो जाते हैं, इंक्रीजिंग योर एब्सेंटीज़म, योर फाइन मोटर स्किल्स आर अफेक्टेड, यू मे नो लॉन्गर इंजॉय योर वर्क, योर अटेंशन स्पैन मे बी अफेक्टेड, यू मे हैव मोर नेगेटिव थाट्स, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल सफ़र, यू मे हैव डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, जो आपकी चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, योर पॉजिटिव एनर्जी इज़ कंज्यूम। और उसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग टर्म इसके, मेकिंग यू एक्सीडेंट प्रोन, काजिंग यू टू बी फॉरगेटफुल, यू मे नॉट मेक गुड डिसीजंस। तो हमारी जॉब परफॉर्मेंस लो हो जाती, हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन लो हो जाती है, हमारी जॉब इन्वॉल्वमेंट लो हो जाती है, जॉब इंगेजमेंट लो हो जाती है, और हमारी जो है टर्न ओवर इंटेंशन इंक्रीज हो जाता है, जॉब स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। तो ये इस तरह से फिजिकल बिहेवियरल एंड परफॉर्मेंस स्ट्रेस सिम्टम्स थे, जो कि कुछ उसमें से शॉर्ट टर्म हैं, अगर हमारे हम स्ट्रेसेस को प्रॉपर मैनेज कर लेते हैं, उससे कोप कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो लॉन्ग टर्म सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
अब हम देखते हैं स्ट्रेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। तो वो बहुत आसान सी बात है, अराउंड द क्लॉक जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी लाइफ को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 8 आवर्स रेस्ट एंड स्लीप में, 8 आवर्स पर्सनल लाइफ और 8 आवर्स प्रोफेशनल लाइफ। तो ये जो नॉन वर्क स्ट्रेसेस हैं ये उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड स्ट्रेसेस हैं, जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेसेस हैं ये उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड स्ट्रेसेस हैं, और जो वर्क नॉन वर्क स्ट्रेसेस हैं जब उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के स्ट्रेसेस जो हैं वो आपस में मर्ज हो जाते हैं, यानी स्ट्रेस बिकम सेम, तो फिर हम उन्हें कहते हैं वर्क नॉन वर्क स्ट्रेसेस। ये उन इन स्ट्रेसेस के ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो फिजियोलॉजिकल हैं और उसके बाद साइकोलॉजिकल हैं और बिहेवियरल हैं। अब हम देखते हैं वर्क स्ट्रेसेस जो हैं, वर्क रिलेटेड स्ट्रेसेस, उसकी फिर फर्दर 4 क्लासिफिकेशंस हैं, यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं यानी ऑर्गेनाइजेशन की फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, इंटरपर्सनल स्ट्रेसेस हैं जैसे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, एग्रेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसेस हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन का मर्जर या प्राइवेटाइजेशन, रोल रिलेटेड स्ट्रेसेस हैं जो आप ऑर्गेनाइजेशन में रोल परफॉर्म करते हैं उससे रिलेटेड। इसी तरह जो वर्क नॉन वर्क स्ट्रेसेस हैं यानी टाइम मैनेज बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, स्ट्रेन बेस्ड है कि अगर आपकी जॉब पर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपकी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट कर देता है, पर्सनल लाइफ पे होता है तो जॉब पे, बिहेवियर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है कि आप कैसे बैलेंस मेंटेन करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बिहेवियर्स में। फिर इसी तरह इनके कॉन्सिक्वेंसेज में हम फिजियोलॉजिकल जो देखते हैं उसमें हम देखते हैं हार्ट डिजीज़ है, अल्सर्स है, हाई ब्लड प्रेशर है, फिर साइकोलॉजिकल में डिप्रेशन, मूडीनेस, बर्नआउट, और फिर बिहेवियर में लो जॉब परफॉर्मेंस, फॉल्टी डिसीजंस एंड वर्क प्लेस एग्रेशन है। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रेसेस जैसे मैंने अभी बता दिया कि नॉन वर्क स्ट्रेसेस आर रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ ऑफ एन एम्प्लॉज, वर्क रिलेटेड स्ट्रेसेस आर रिलेटेड टू द प्रोफेशनल लाइफ ऑफ एन एम्प्लॉज, और वर्क नॉन वर्क स्ट्रेसेस आर रिलेटेड टू द कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अब हम देखते हैं वर्क रिलेटेड स्ट्रेसेस जो हैं उनकी जो 4 टाइप्स थी, फिजिकल इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, एक्सेसिव नॉइज़ है, पुअर लाइटनिंग, उसके बाद जो है इसी तरह हम देखते हैं नॉइज़, पुअरली डिज़ाइंड ऑफिस स्पेस, लैक ऑफ प्राइवेसी, पुअर एयर क्वालिटी एंड सेफ्टी हैज़र्ड्स। ये हमारी जो फिजिकल इन्वायरमेंट यानी जहाँ जहाँ पे हम जॉब करते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है, उसमें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, फिर वो फिजिकल इन्वायरमेंट जहाँ पे आप जॉब करते हैं खुद ही एक आपके लिए स्ट्रेसर बन जाती है। और उसके बाद इंटरपर्सनल स्ट्रेसर जो हैं, इनफेक्टिव सुपरविजन यानी अगर आपका इमीडिएट बॉस जो है वो बायस्ड है, डिसऑनेस्ट है और आपको फेयरली नहीं ट्रीट करता, अनफेयर पर्सन है, तो फिर इनफेक्टिव सुपरविजन कहते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, सेक्सुअल हरासमेंट, वर्क प्लेस एग्रेशन एंड वायलेंस, ये इंटरपर्सनल स्ट्रेसेस हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसेस हैं, सेल आर मर्जर ऑफ अ कंपनी, डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग अगर हो रही है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर है जो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आप परसीव कर रहे हैं। और उसके बाद रोल रिलेटेड स्ट्रेसेस जो हैं यानी कि द स्ट्रेसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द टास्क ऑफ द एम्प्लॉय, जो हम जॉब करते हैं वहाँ पे जो टास्क परफॉर्म करते हैं जो हमारा रोल होता है उससे रिलेटेड जो स्ट्रेसेस होते हैं जो फर्दर क्लासीफाई भी होते हैं, जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेसेस हैं इनमें रोल रिलेटेड जो स्ट्रेसेस होते हैं उनमें आप देखते हैं कि रोल कॉन्फ्लिक्ट है, रोल एम्बिग्विटी है, टास्क कंट्रोल है और वर्क लोड कॉन्फ्लिक्ट, वर्क लोड स्ट्रेसर है। फिर जो रोल कॉन्फ्लिक्ट है ये इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट है, इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट है और पर्सन रोल कॉन्फ्लिक्ट है। और फिर जो वर्क लोड है इसमें रोल ओवरलोड है और रोल अंडर लोड है। अब हम इनको वन बाई वन देखते हैं। रोल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें आप देखें कि अगर आपके पास रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है एक इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट है यानी कि अ कॉन्फ्लिक्ट एसोसिएटेड विद द टास्क बीइंग परफॉर्म, तो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, इंक्लूडिंग इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट, 2 कॉन्फ्लिक्टिंग जॉब असाइनमेंट्स, यानी आप अगर जो है जो आपको 2 असाइनमेंट्स दी गई, एक में आप कॉम्पिटेंट हैं, एक आपके लिए आपकी फील्ड से रेलिवेंट नहीं है, तो अगर 2 कॉन्फ्लिक्टिंग जॉब असाइनमेंट्स आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीचिंग की जॉब है तो आपको शायद एडमिनिस्ट्रेशन का काम दे दें तो वो एक इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट होगा, 2 कॉन्फ्लिक्टिंग जॉब असाइनमेंट। इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें रिसीविंग कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेजेस टू परफॉर्म अ टास्क, जिन जिन जॉब्स में हमें यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती तो हमें पता नहीं चलता कि कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेज मिलते हैं कि इसको परफॉर्म कैसे करना है। एंड पर्सनल रोल कॉन्फ्लिक्ट, उसमें है टास्क कॉन्ट्रडिक्टरी विद पर्सनैलिटी, एक होता है पर्सन जॉब फिट, तो अगर एक इंडिविजुअल की जो जॉब है वो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट से कंपेटेबल हो
फिर हम कहते हैं पर्सनल जॉब फिट, लेकिन पर्सनल रोल कॉन्फ्लिक्ट ये है कि टास्क आपके पर्सनैलिटी के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करता हो। रोल एम्बिग्यूटी है, अनक्लियर जॉब असाइनमेंट्स आर इन द एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म गाइडलाइंस, यानी आपको क्लियरली पता ही नहीं है कि आपने करना क्या है। टास्क कंट्रोल है, लैकिंग कंट्रोल आर इनकम्पिटेंस इन कम्प्लीटिंग अ टास्क, यानी कम्पिटेंसीज नहीं है किसी टास्क को परफॉर्म करने में। इसके लिए तो ट्रेनिंग देते हैं ताकि लोगों में टास्क कंट्रोल डेवलप हो। वर्कलोड जो है इट इज़ रिलेटेड टू द क्वान्टिटी ऑफ वर्क असाइन टू अ पर्सन, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। एक वर्क ओवरलोड अंडरलोड होता है, रिसीविंग टू लिल जॉब असाइनमेंट्स की अगर आपके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, जो कि आजकल कम होता है वर्क अंडरलोड, ज़्यादा वर्क ओवरलोड होता है, रिसीविंग टू मैनी जॉब असाइनमेंट इन लिमिटेड टाइम, तो ये वर्कलोड है। अब हम देखते हैं जो रोल रिलेटेड स्ट्रेसेस में के बाद हम देखते हैं कि हमारे जो थे टाइम बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है हमने देखा अभी कि ये, अब हम देखते हैं कि वर्क नॉन वर्क स्ट्रेसेस जो हम स्टडी कर रहे थे, यानी थर्ड क्लासिफिकेशन, ये वर्क नॉन वर्क स्ट्रेसेस यानी टाइम बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट और बिहेवियर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे टाइम बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। प्रॉब्लम फेस इन द टाइम मैनेजमेंट बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, जो टाइम हमारा है 8 आवर्स, हमारी प्रोफेशनल लाइफ हम मैनेज नहीं कर पाते कि ऑफिस लेट आ रहे हैं लोग या ऑफिस से लेट जा रहे हैं, तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉपर टाइम जो है वो मैनेज नहीं कर पाते। बिहेवियर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, कुछ बिहेवियर्स ऐसे हैं जो अप्रोप्रिएट हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, कुछ ऐसे हैं जो अप्रोप्रिएट हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, तो वो दोनों जब आप मैनेज नहीं कर पाते अपने प्रोफेशनल लाइफ के बिहेवियर्स को पर्सनल लाइफ में प्रैक्टिस आउट करते हैं, और अगर आपका कैजुअल एटीट्यूड है अपनी पर्सनल लाइफ में तो वही जाके आप ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, तो ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ये बिहेवियर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है। स्ट्रेन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव पर्सनल लाइफ इंसिडेंट ऑन प्रोफेशनल लाइफ एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसे प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट हो गई, या प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसने पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो गई। तो जैसे जैसे रिसर्च में हम देखते हैं डेवलपमेंट हुई, पहले वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट पे काम होता रहा, जो ये हमने स्टडी किया उनके तीनों पार्ट्स हैं, फिर वर्क लाइफ बैलेंस पे, और अब वर्क फैमिली फैसिलिटेशन पे, कि आप कैसे वर्क से अपनी फैमिली को या फैमिली वर्क फैसिलिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जॉब हम जब ऑक्यूपेशंस को ऑप्ट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो जॉब कर रहे हैं उसमें कितना स्ट्रेस होगा, जो बाई नेचर कुछ हाई स्ट्रेस जॉब हैं, कुछ मीडियम स्ट्रेस जॉब हैं और कुछ लो स्ट्रेस जॉब हैं। लो स्ट्रेस ऑक्यूपेशंस में जैसे आर्टिस्ट है, कार मैकेनिक है और फॉरेस्टर है। जो मीडियम स्ट्रेस ऑक्यूपेशन है जैसे साइकोलॉजिस्ट, स्कूल प्रिंसिपल, मैनेजर। जो हाई स्ट्रेस ऑक्यूपेशन हैं जैसे पुलिस ऑफिसर, प्राइम मिनिस्टर, वेटर वेटरेस वगैरह। तो आप जब जॉब को किसी जॉब को ऑप्ट करते हैं आपको उस वक्त ही पता होता है कि आपने जो उस जॉब आपकी वो हाई स्ट्रेस है, लो स्ट्रेस है या मीडियम स्ट्रेस है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि रिमूव द स्ट्रेसेस, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप स्ट्रेस स्ट्रेसर इज अ काज ऑफ स्ट्रेस, जो स्ट्रेस का काज खत्म करेंगे खुद ही स्ट्रेस खत्म हो जाएगी। रिमूव द स्ट्रेसर, विदड्रॉ फ्रॉम द स्ट्रेसर, यानी आप टेम्परेली विदड्रॉल स्ट्रेटजीज यूज़ करें उस स्ट्रेस से, कि जैसे लोग अपनी इन्वायरमेंट चेंज कर लेते हैं ताकि वो वक्ती तौर पे उस स्ट्रेस से जो है, कि अगर आपको एक चीज़ पे टास्क कंट्रोल नहीं है तो आप पहले उसकी ट्रेनिंग हासिल करें फिर उसको कर लें। चेंज स्ट्रेस परसेप्शन, कि आप किसी चीज़ की डार्क साइड देखने के बजाय उसकी लाइट साइड देखें, उसकी पॉजिटिव साइड देखें, और उसके बाद कंट्रोल स्ट्रेस कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जो स्ट्रेस है उसको यूज स्ट्रेस भी बना सकते हैं और डिस्ट्रेस भी बना सकते हैं, और उस यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग, जो अपने फेथ के अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट स्पिरिचुअल हीलिंग के मेथड्स यूज़ करते हैं, रिलीजियस टीचिंग वगैरह, प्रेयर जैसे है, सब लोग प्रेयर यूज़ करते हैं, वो हमारी पब्लिक प्रेयर भी हो सकती है, प्राइवेट प्रेयर भी हो सकती है। रिसीव सोशल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। एक हमारी पर्सनल लाइफ से आती है, यानी फैमिली सपोर्ट या फ्रेंड सपोर्ट, सिग्निफिकेंट अदर सपोर्ट जैसे कोई रिलीजियस लीडर्स हैं और इस तरह से जो बड़े इंपॉर्टेंट रोल जिनको आप कंसिडर करते हैं, टीचर्स वगैरह हो गए। सोशल सपोर्ट जो है प्रोफेशनल लाइफ से उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है सुपरवाइजरी सपोर्ट, यानी इमीडिएट बॉस का सपोर्ट कर रहे, फिर आपकी कलीग्स की सपोर्ट, और फिर आप फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है
अपने एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प ले सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बर्नआउट स्ट्रेस का एक एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस है बर्नआउट। और बर्नआउट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इमोशनल एग्जॉस्टन हो जाती है, उसकी वजह से आप डीपर्सनलाइजेशन ऑफ अदर्स यानी दूसरों को आप लाइफ लेस ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करने लगते हैं, जैसे स्लैमिंग द डोर, ब्रेकिंग द ग्लास। और उसके बाद रिड्यूस पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट यानी कि आपकी जो जॉब परफॉर्मेंस है उसमें इसकी वजह से डिक्लाइन आ जाता है, इसको कहते हैं बर्न आउट। उसके बाद हम देखते हैं ईएपीज जो हैं, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स, जो कि बहुत ज़्यादा इन हैं, आर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉयज़ विद पर्सनल प्रॉब्लम्स। एम्प्लॉयज़ असिस्टेंस प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड इन यूएसए 1940s बाई कंपनीज लाइक कोडक एंड स्टैंडर्ड ऑयल। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग देयर अर्ली फोकस ऑन अल्कोहलिक एम्प्लॉयज़, ईएपीज़ हैव वेंचर्ड इनटू न्यू एरिया सच एज स्मोकिंग सीजेशन, स्मोकिंग सीजेशन प्रोग्राम्स हो गया, अडेप्टेशन हो गया, उसके बाद काउंसलिंग, लीगल असिस्टेंस, डेथ ऑफ लव्ड वन एंड चाइल्ड पेरेंट रिलेशंस। इस तरह के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करता है ईएपीज़। अब जो हम देखते हैं वेलनेस प्रोग्राम्स हैं और डिजीज़ मैनेजमेंट है यानी अर्ली डायग्नोसिस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गया, इंक्रीजिंग मॉडरेटर डिक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड एजुकेशन अबाउट लाइफस्टाइल रिलेटेड इलनेस। और उसके बाद तो बेसिकली जो है ना, इंक्रीजिंग मॉडरेटर डिक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ प्रिडिक्टर यानी कि जो हमारे ऊपर स्ट्रेस इन्फ्लुएंस कर रही होती है उसको हम ई ए पी एज अ मॉडरेटर रोल करता है उसको कम करने में। उसके बाद वर्क टीम प्रॉब्लम इंटरवेंशन हो गया, वायलेंस प्रोटेक्शन हो गया, प्रिवेंशन एंड एजुकेशन अबाउट लाइफ स्टाइल रिलेटेड इलनेस। और उसके बाद जो हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हमें प्रॉब्लम्स फेस आते हैं कि अगर आपने एक हेल्दी लाइफ स्टाइल ही ऑफ नहीं किया। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि वायलेंस प्रिवेंशन है, वर्क टीम प्रॉब्लम इंटरवेंशन हैं, जो वर्क टीम जो है जैसे सेल्फ डायरेक्टेड वर्क टीम्स होती हैं या वर्क टीम में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वर्क ग्रुप्स में, उनमें इंटरवेंशन करते हैं आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद जो है वेट कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिजिकल फिटनेस एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। तो ये इस तरह से रिलेटेड ई ए पीज जो है इन तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती हैं। तो ये वेलनेस प्रोग्राम्स हैं और डिजीज़ मैनेजमेंट के ये डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ई ए पीज आते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इसकी बात करते हैं। इंटरनेशनल हेल्थ इश्यूज़, अप टू डेट वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। और उसके बाद जैसे COVID-19 में अवेलेबिलिटी ऑफ अ जनरल फर्स्ट एड किट, एमरजेंसी प्लान्स। उसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल सेफ्टी इश्यूज़ में इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है, फैमिली सेफ्टी है, फूड सेफ्टी के इश्यूज़ हैं। तो ये अवेलेबिलिटी ये हमने अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि हेल्दी लिविंग में हम देखते हैं एक्सरसाइज योर डाइट, गेट रेस्ट, एग्जामिन योर डाइट एंड एक्सरसाइज, गेट रेस्ट एंड एक्सरसाइज। ओके, एग्जामिन योर डाइट, आप देखें कि आपकी जो प्रॉपर है ईटिंग हैबिट्स हैं वो क्या हैं। और उसके बाद जो है गेट रेस्ट मैक्सिमम ऑफ 6 आवर्स, एक्सरसाइज एटलीस्ट 20 मिनट्स 5 टाइम्स अ वीक। उसके बाद हम देखते हैं डिस्कस विद समवन, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें, ऑर्गेनाइज योर लाइफ, अपनी लाइफ को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के तहत गुजारें, ऑर्गेनाइज योर मैनेज योर एंगर, और अपने आप एंगर को मैनेज करने की कोशिश करें, फिल योर लाइफ विद फन फन थिंग्स यानी अपनी लाइफ में को कलरलेस ना करें, उसमें कुछ चीज़ें कोई इंजॉयमेंट की चीज़ें जो है ना वो मस्त क्रिएट करें, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ के जो है ये जो है टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ जो है कि आप जो है ना डोंट लेट अदर्स कंट्रोल योर लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी का खुद खुद उसका चार्ज लें, खुद उसकी केयर करें, लोगों ने नहीं आके आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने, आप खुद करें, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, एक्ट अप्रोप्रिएटली, फाइन बैलेंस, तो तमाम चीज़ों को बैलेंस वे में लेके चले। फिर हम देखते हैं कि
पर्सन जॉब फिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, क्या ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, वो क्या आपकी जो जॉब है टास्क है उससे परफॉर्म करते हैं, उससे कंपेटेबल हैं या नहीं है। वन ऑफ द लीडिंग काजेज ऑफ स्ट्रेस फॉर एम्प्लॉयज इज द लैक ऑफ पर्सन जॉब फिट, विच इज़ कंपेटेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयज पर्सन जॉब फिट, क्या है कंपेटेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयज पर्सनैलिटी ट्रेट्स विद द जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जॉब इन्वायरमेंट। HRM कैन इंश्योर पर्सन जॉब फिट थ्रू द सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। तो पर्सन जॉब फिट जो ये है कि अगर एक इंडिविजुअल सोशल है तो उसको फिर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए आप सिलेक्ट करें। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है कॉमन बैड हैबिट्स एट वर्क, प्रेफरिंग गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स। तो हम देखते हैं प्रेफरिंग पर्सनल रिलेशन और प्रोफेशनल रिलेशन्स, ये आप जहाँ पे जॉब करने जाते हैं ना वहाँ पे कोलीग्स मीन्स को वर्कर्स, तो आपको उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है तो उसको पर्सनल रिलेशन में स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उन वहाँ पे जो आपका प्रोफेशनल इंटरेक्शन है उनको ही प्रेफर करें, वो जस्ट अपना काम करें। उसके बाद जो है टाइम मैनेजमेंट जो है, अगर आप अपनी लाइफ में करते हैं तो उससे आपकी लाइफ में बहुत बेहतरी आ सकती है, एक अच्छी हैबिट है टाइम मैनेजमेंट की। इन्वॉल्विंग इन ऑफिस पॉलिटिक्स एंड अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अदर्स, तो ये जो अगर आपकी ये इस तरह की चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हैं, इस तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं कि जो मतलब आप ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं, लोगों को अनफेयरली ट्रीट करते हैं, इसकी वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और ऑफिस तो ये जो है ना ये भी एक हेल्दी वर्क प्लेस बिहेवियर नहीं है, गुड हैबिट नहीं है, बैड हैबिट है। फेलिंग टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, उसके बाद यानी कि आप वर्कहॉलिक हैं अगर कि आपको वर्क एडिक्शन है तो ये भी कोई बैड हैबिट है कि आप हर वक्त काम में लगे हुए हैं, उसकी भी उसको भी एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद इग्नोरेंस ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये एक बैड हैबिट है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करते और अपनी, तो ये सारी जो हमारी बैड हैबिट्स हैं कि अपना जो मैंने अभी आपको बताई कि लोगों के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप की जगह पर्सनल डेवलप कर लेना, और टाइम मैनेजमेंट नहीं करनी जो आप पे असाइनमेंट्स को डिले करते जाना है, ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना है, लोगों को अनफेयरली ट्रीट करना, और अपनी लाइफ में या आप पर्सनल लाइफ को ज़्यादा फोकस करें या प्रोफेशनल को, उसको एक बैलेंस अप्रोच नहीं अप्लाई करनी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करना, ये बैड हैबिट्स जो है ना, वी मस्ट गेट रिड ऑफ दीज बैड हैबिट्स। अब हम हैबिट्स के बारे में जैसे कहते हैं ना कि अगर हम इसमें से एच को रिमूव कर दें तो इट स्टैंड्स अ बिट, और ए को बिट एंड बी को इथ, तो जो हैबिट्स वंस दे आर डेवलप्ड दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज। अब हम फाइनली गुड जॉब फिलोसफी कि हम देखते हैं द पर्पज ऑफ जॉब इज़ टू यूज़ पोटेंशियल एंड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड पर्सनल प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, कि जो जो जॉब जो है उसमें हम एक अच्छी सोच के साथ अगर जॉब करते हैं तो फिर हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। वी डू जॉब बिकॉज जॉब कॉन्ट्रीब्यूट टू आर वेलनेस एंड आर गुड फैमिली लाइफ। अब ये अहम बात है कि हमें जो हम बाज़ लोग जो हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लगा के और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बनने परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं, जैसे वर्कहॉलिज्म है या वर्क एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमें ये पता होना ही चाहिए कि हम जॉब को एज अ मीन यूज़ करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। और उसके बाद जो है सेक्रीफाइसिंग पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल गेन्स एंड टू मच इन्वॉल्वमेंट इन वर्क इज़ वर्क एडिक्शन और वर्कहॉलिज्म, जो मैं अभी बता रहा था, विच है सीरियस एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज फॉर एम्प्लॉयज। जो हम मेजर लेट लाइफ रिग्रेट्स पढ़ते हैं उनमें से एक बड़ा रिग्रेट जो पाकिस्तान में रिसर्च हुई है, इंटरनेशनली भी यही हुई कि उनमें फाइव मेजर लाइफ रिग्रेट्स में से एक ये भी रिग्रेट होता है कि लोग अपनी बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस पे बिजी रहे और अपनी सेल्फ को उन्होंने कभी अपनी ज़ात को खुद को वक्त नहीं दिया। होप सो आपको ये हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज जो थे उनको अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।